चंडीगढ़ में हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक हुई। मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री ने मंत्रिमंडल के साथ मंथन किया। कैबिनेट बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल ने जानकारी दी, कहा कि कैबिनेट बैठक में सिर्फ एक्साइज पॉलिसी पर चर्चा हुई। पूर्व मुख्यमंत्री और करनाल लोकसभा से बीजेपी के उम्मीदवार मनोहर लाल ने एक मीटिंग की। ये मीटिंग मनोहर लाल ने जर्मनी से आए इन्वेस्टरों के साथ की। मनोहर लाल ने कहा है कि इन्वेस्टर की पसंद बन चुका है हरियाणा। हरियाणा में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और 2014 से पहले और अब के हरियाणा में काफी बदलाव आया। 2003 में मैं जर्मनी में गया था और जर्मनी अपने आप में बहुत प्रोग्रेसिव एक कंट्री है और उस समय तो बहुत पीछे थे। आज मैं कह सकता हूँ कि जो जर्मनी में सुविधाएं थी, आज देश में उस प्रकार के चाहे नेटवर्क रेलवे का है, चाहे रोड्स का है, चाहे एयरपोर्ट। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा, कहा कि हम अपने कामों के चलते वोट मांग रहे हैं जबकि दूसरी पार्टियों के पास वोट मांगने के लिए कोई विजन ही नहीं है। देखिए, उदय भांजी के परिवार पहले भी हरियाणा का नाम बहुत बदनाम किया है। उनके परिवार से ही आयाराम गयाराम का नाम उत्पन्न हुआ था और सारे देश में हरियाणवियों को वो दल बदलों के नाम पर जानने लगे। पीएम मोदी की हरियाणा में प्रस्तावित चुनावी रैलियों में राज्य का चुनावी पारा बढ़ा है। पीएम हरियाणा में 18 को सोनीपत और 23 मई को महेंद्रगढ़ में जनसभाओं को करेंगे संबोधित। हरियाणा में होने वाली अमित शाह की रैली कैंसिल हुई। 16-17 मई को होनी थी गृह मंत्री अमित शाह की रैली। ब्रजभूषण सिंह ने कहा है कि हरियाणा में 95% लोग हमें पसंद करते हैं। खेल के सिस्टम में जो मैंने काम किया है उसका सबसे ज्यादा फायदा हरियाणा के लोगों को हुआ है। यौन उत्पीड़न के मामले में घिरे सांसद ब्रजभूषण सिंह ने कहा है कि अगर आरोप सिद्ध हो गया तो मैं फांसी पर चढ़ जाऊंगा। अब कोई पैमाना नहीं है, कोई आंकड़ा नहीं है, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, क्योंकि जो मैंने खेल के क्षेत्र में काम किया है उसका सबसे ज्यादा लाभ हरियाणा को हुआ। और जो मैंने भेदभाव मिटाने की बात की थी कि बिना ट्रायल के कोई नहीं जाएगा, इससे भी फायदा हरियाणा के ही जूनियर बच्चों को होने वाला है। क्या होता है इसलिए स्वाति मालीवाल पर सीएम केजरीवाल के निवास में हुई मारपीट के मामले ने तूल पकड़ लिया है। अब स्वाति मालीवाल के तलाकशुदा पति नवीन जयहिंद का बयान आया। स्वाति मालीवाल के तलाकशुदा पति नवीन जयहिंद ने कहा है कि उनका तलाक हो चुका है। अगर उनकी पत्नी के साथ ऐसी घटना होती तो पिटाई करने वालों के अब तक हाथ टूट चुके होते। तो मामला मेरी पूर्व पत्नी का नहीं है, मेरा तलाक हो चुका है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, मुख्यमंत्री हाउस नहीं है, वो गटर हाउस है। और वहाँ जो मामला हुआ है तो पहले जो मुख्यमंत्री बना हुआ है ना, तो उसके ऊपर FIR होनी चाहिए। उस घर के अंदर उसकी औकात नहीं है जिसने ये मारपीट की है, और स्वाति को सामने आना चाहिए। और मेरा अपना ये मानना है कि स्वाति की जान को खतरा है, उनको सुरक्षा देनी चाहिए। और दिल्ली पुलिस, गृह मंत्री या नेशनल वुमेन कमीशन है उनके उनको। करनाल में सेक्टर 14 में दिन दहाड़े गोली चलाने वाले दो युवकों को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने बदमाशों के पास से विदेश में हथियार भी बरामद किए। चोरी की बाइक पर वारदात को अंजाम दिया था। दोनों को एसटीएफ रिमांड पर लेगी और पूछताछ करेगी कि आखिर इन्होंने क्यों गोली चलाई और गोली चलाने का मकसद क्या था। 4 अप्रैल का मामला था। यहाँ शाम को एक बुलेट सवार युवक के ऊपर दो अज्ञात युवकों ने हेलमेट डाले हुए थे, जो उन्होंने फायरिंग कर दी थी, जिसमें एक उस युवक को 3-4 गोलियां लगी थी। साथ में एक ई रिक्शा वाला ज़्यादा उसको भी गोलियां लगी थी, जिसके ऊपर माननीय DGP साहब ने, जिनको अननोन थे, इनके बारे में इंफॉर्मेशन देने के 50,000 का इनाम भी घोषित किया था। जो कल हमारी टीम ने कल शाम को सीक्रेट इन्फॉर्मेशन के आधार पर दो युवकों को काबू किया, जो हमारे इन्फॉर्मर ने बताया कि दो इस तरह के युवक हैं, इसी हुलिये के युवक हैं, जो शायद इस बार। यमुनानगर में SK मार्ग पर रादौर के JMIT चौक के पास दो बाइकों की आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें से एक बाइक सवार दो युवक और एक युवती गंभीर रूप से घायल हुए। दो युवक व एक युवती घायल हुए। घायलों को उपचार के लिए रादौर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया। उन्हें यमुनानगर ट्रॉमा सेंटर में इलाज के लिए रेफर किया गया। और एक लड़की जिनकी उम्र 18 साल से 22-23 साल की रही है, उनको लेके आया गया था। तो पता लगा कि एक्सीडेंट जो है हमारे JMIT का जो चौक पड़ता है, वहाँ एक्सीडेंट हुआ। ये जो तीनों बच्चे थे, ये की गाड़ी उसके मोटरसाइकिल में थे, जो यमुनानगर की तरफ से आ रहे थे।